वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी आप पे देखने वाले। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक की बात की जाए तो आज 122 पे ट्रेडिंग करा है। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि 0.55 पैसे की गिरावट देखने को मिली है अभी तक रिलायंस इंफ्रा स्टॉक के अंदर। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक आज गैप अप से ऊपर ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते 125 का रेजिस्टेंस लगा और रेजिस्टेंस लगने के बाद गिरावट देखने को मिले। तो गिरावट के बाद यहाँ पे आप देख सकते जो प्रीवियस क्लोजिंग थी यहाँ पे आप देख सकते 122.65 का उसका रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया है भी रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक ने। तो यहाँ पे आप देख सकते कि ओपन हुआ था 123.90 पे, हाई बनाया था 125.60 का और लो है 119.50 का। तो मार्केट कैप भी देखे जाए तो मार्केट कैप यहाँ पे आप देख सकते 3.16,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक का। तो पिछले 5 दिनों की भी बात देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में करीब 19% से ज़्यादा रैली की है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक ने और 1 मंथ में तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 17.97 यानी कि 18% की रैली की है। तकरीबन रिसेंटली 120 जो रजिस्ट्रेशन एक्ट हो रहा है तो उसके ऊपर रिसेंटली ट्रेडिंग करा है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक। तो चार्ट एनालिसिस की भी बात की जाए तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर आज यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश दिखने लगा है कैंडल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मंथली जो रेजिस्टेंस 1 है वो 129 लेवल के पास है तो वहाँ तक जाने के चांसेस दिखाई देंगे। नहीं तो यहाँ पे गिरावट भी होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली जो सपोर्ट आपको लगेगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो 112 लेवल पे नीचे आता है तो फिर वहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट रिलायंस इंफ्रा स्टॉक के लिए।